इस वक्त की बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। आपको बता दें कि सीबीआई के पूर्व निदेशक नागेश्वर राव को कोर्ट ने सजा सुनाई है। बड़ी खबर इस वक्त ही, सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना मामले में नागेश्वर राव को दोषी माना है। नागेश्वर राव को सुप्रीम कोर्ट से सजा मिली है। जब तक कोर्ट चलेगी तब तक नागेश्वर राव को कोर्ट में बैठना होगा। कोर्ट ने नागेश्वर राव पर 1 लाख का जुर्माना लगाया है। बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना मामले में नागेश्वर राव को दोषी करार दिया है। नागेश्वर राव को सुप्रीम कोर्ट ने सजा सुनाई है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं संवाददाता सुचित्रा मुखर्जी। सुचित्रा, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? होम का ये मामला है, जबकि जहाँ की जांच के लिए सीबीआई से ये कहा गया था कि आप अधिकारी बताएं कि कौन उपयुक्त अधिकारी होगा जो इस मामले में जांच कर सकता है, तो जो डायरेक्टर जनरल थे AK शर्मा का नाम यहाँ पर सीबीआई की तरफ से खुद लिया गया था, और उसके बाद सीबीआई के जो अंतरिम निदेशक यानी कि नागेश्वर राव थे उन्होंने उनका ट्रांसफर कर दिया था, जिससे कि कोर्ट काफी नाराज थी। कोर्ट का ये कहना था कि जब आप लोगों ने खुद ही नाम का प्रपोज किया और उसके बाद आप कैसे किसी को ट्रांसफर कर दे सकते हैं बिना हमारी अनुमति के, तो अवमानना की यहाँ पर वो बनी है। और हालांकि अगर बात करें सुप्रीम कोर्ट के AG की, तो अटॉर्नी जनरल की तरफ से बहुत सारी सफाइयां दी गई कि नागेश्वर राव ने माफी मांग ली है, तमाम सारी चीजें, क्योंकि कल ही पत्र लिखकर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से माफी मांग ली थी जो अंतरिम निदेशक थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आखिर आप इस तरीके से कैसे उनकी पैरवी कर सकते हैं। हालांकि अभी अगर बात करें तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है जो पूर्व अंतरिम निदेशक थे नागेश्वर राव, और जिन्होंने सीबीआई के जो लीगल एडवाइजर थे यानी कि बासुरन, जिन्होंने ये एडवाइस दी थी और जिनसे संपर्क में यानी कि जिन्होंने लीगल तरीके से एडवाइस दिया था, उनको भी यहाँ पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भरना होगा। इसके अलावा आज जब तक ये कोर्ट चलेगी तब तक दोनों को कोर्ट में बैठे रहना पड़ेगा अंत तक, यानी कि जब तक कोर्ट की प्रोसीडिंग चलेगी 4 बजे तक, मान के चलिए कि 4 बजे तक ये भी एक सजा का ही सजा के अंतर्गत आता है, तो उन दोनों को कोर्ट में बैठे रहना होगा और साथ ही साथ 1 लाख रुपए का जुर्माना जो है वो भी भरना होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का लगातार कहना था कि इतना सेंसिटिव ये पूरा मैटर है, इस मैटर को आप किस तरीके से ऐसे ले सकते हैं, जो अधिकारी है, हम खुद चाह रहे थे कि अधिकारी का ट्रांसफर ना हो, एक ही अधिकारी है जो देख रहे हैं जो इस मामले में योग्य है, उसके बावजूद आप लोगों ने इतनी लापरवाही बरती और बिना किसी उसके इनका ट्रांसफर कर दिया गया, तो किस आधार पे किया, काफी सारी दलीलें दी गई। हालांकि अटॉर्नी जनरल की तरफ से भी जो सरकार के ओर से वकील थे और सुप्रीम कोर्ट का साफ तौर पर अटॉर्नी जनरल को भी कहना था कि आप कैसे इनकी इस तरीके से पैरवी कर सकते हैं। मोनिका जी, सुचित्रा, नागेश्वर राव की तरफ से क्या कुछ दलीलें पेश की गई? देखिए, अगर नागेश्वर राव की बात करें तो यहाँ पर नागेश्वर राव ने RK शर्मा को जांच से हटाने का फैसला लेने के बाद सुप्रीम कोर्ट को बताने की जरूरत ही नहीं समझी थी, और नागेश्वर राव ने लगातार यही कहा कि जो है स्थितियाँ थी उस अकॉर्डिंग हम लोगों ने जो है मैंने ये ट्रांसफर कर दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उनकी दलील से संतुष्ट नहीं हुआ और यही वजह थी कि जो माफीनामा था वो कल ही भेज दिया था नागेश्वर राव ने कल देर शाम सुप्रीम कोर्ट में, और माफी भी मांगी थी, लेकिन माफी मांगने से बात नहीं बन जाती क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एकदम साफ लफ्जों में ये कहा था कि कोई भी ट्रांसफर नहीं होगा। AK शर्मा का नाम खुद सीबीआई की तरफ से यहाँ पर दिया गया था, जब सुप्रीम कोर्ट ने ये पूछा था कि कौन से वो अधिकारी हैं जिनकी मतलब जो जांच इसमें कर सकते हैं, एक बेहतर तरीके से जांच को अंजाम दिया जा सकता है, तो जब आप खुद ही नाम देते हैं, जब सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी ये बात कह देती है, तो उस कितने लोग इसमें